जी पंचायत जी चुनाव से आप विधानसभा की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते हैं, सबसे अहम बात। जी दूसरी बात यह है कि जी कोविड के तैयारी के बीच असम पुडुचेरी में भी हमने सरकार बनाया और वेस्ट बंगाल में हमने सीटें अच्छी अचीव की। जहां हम 3 थे वहां से हम 77 हो गए, ये एक अच्छी बात है। जी लेकिन पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो जी एक ही परिवार में 2 से 3 लोग लड़ते हैं। कोई सपा जी समर्थक होता है, कोई आप समर्थक होता है, और कोई बीजेपी जी समर्थक, तो कोई कांग्रेस समर्थक भी होता है। ना ठीक है, ये लोग आते हैं। लेकिन रह गई बात जीतने की, तो पंचायत चुनाव से विधानसभा का आकलन अगर किया जाता तो फिर विधानसभा में विधायकों की कोई जरूरत नहीं होती, सबसे अहम बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, गोरखपुर की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जरूर मानता जी हूं कि ये मैं जरूर मानता हूं कि वहां पे बीजेपी नहीं जीती है, बहुत जगह निर्दलीय जीते हैं। लेकिन जो निर्दलीय के लोग, वो कहीं ना कहीं वो भाजपा के भी समर्थक हैं। तो हमारी जो ठीक है संख्या डॉक्टर। है, मैं ये नहीं कहता कि जो 1200 से ऊपर जीते हैं वो सारे डॉक्टर भाजपा अक्षय के। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, राहुल जी, डॉक्टर अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे? जिस तरह से राहुल जी ने अभी बात कही कि जो है निर्दलीय पार्टी जीती है, तो फिर राहुल जी, जो 40 में से 24 सीटें कैसे समाजवादी पार्टी को मिल गई, आपसे जानना चाहूंगा मैं। अक्षय जी, आप देखिए इसका जवाब देंगे। अक्षय जी देखिए, ऐसा है जावेद भाई, एक जी जब के कहावत है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो कभी ना कभी फूटता ही है। तो बीजेपी के जो जी नेता हैं, जितने भी हैं, और हमारे खासकर प्रचार मंत्री जी, जो हमारे देश के जी प्रधानमंत्री भी हैं बाय डिफॉल्ट, आपने देखा होगा कि पूरा, आपको पता है कि पिछले 1 महीने से कोरोना पीक पे है, उसके बावजूद भी उन्होंने रैलियां करी, उन्होंने पूरा शाम दाम दंड भेद सब लगा दिया बंगाल के चुनाव के लिए। आपने देखा होगा इतने केस आ गए, सारे जजेस, कोर्ट के जजेस ने कहा कि रैलियां पे रोक लगाई जाए, उस पर विचार किया जाए, और सब चीजें हो आपके उसमें आई, सिस्टम में आई है, लेकिन इन्होंने कोई भी किसी की नहीं मानी। वहां एक से एक रैलियां हुई है, लाखों की भीड़ हुई, और आज बंगाल का हाल ये है कि कोरोना पॉजिटिव केसेस वहां बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। जी बिल्कुल और है बिल्कुल कि बीजेपी ने अपना जो घमंड था उसको दूर करने के लिए जनता ने, देश की जनता ने उनको ये एक निर्णय दिया, ताकि जिस राम का नाम लेके ये लोग अयोध्या में चुनाव लड़े हैं, जिस भगवान के नाम पे इन्होंने मथुरा में चुनाव लड़ा है, बनारस में लगा, अयोध्या में लड़ा है, उसी भगवान ने इनको, वहीं के लोगों ने, उसी नगरी के लोगों ने इन्हें नकार दिया है। क्योंकि पहले इंसान को, पहले देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए था, और उसके बाद इलेक्शन, जी इलेक्शन 2 महीने बाद में आते तो आपकी जितने लाख आदमी मर चुके हैं वो बच जाते, उसमें से कम 50% आदमी बच जाते, क्योंकि सिस्टम पे ध्यान देते बिल्कुल और इन बिल्कुल लोगों ने, और इसके उपरांत इनको भी भुगतना पड़ा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया वो बात बिल्कुल सही है। तरुणिमा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका पक्ष रखेंगी। मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। पहले तो जावी जी, आपके जो दर्शक हैं बहुत बहुत उनका स्वागत है बहुत आपका बहुत तरुणिमा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नाउ पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पक्ष सिर्फ इतना रखूंगी कि इस जी समय जो हालात हैं इस देश के, जी और देखिए मैं उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश के हालात को आपके सामने रखूंगी। बिल्कुल इस उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। बिल्कुल मंत्री है योगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि जी ऑक्सीजन की, बेड की, कोई किसी चीज की भी दिक्कत नहीं है। जी मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही बात है हम सुनी तक। क्या, ये कोई विश्वास करने लायक है? क्या ये विश्वास करने लायक है? बिल्कुल बिल्कुल आप ये सोचिए कि बिल्कुल जिस मैं बहुत विधानसभा के जो वो खुद स्वास्थ्य मंत्री है,
अतुल गर्ग जी बिल्कुल राज्य स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन उनकी गृह जनपद की अगर मैं आपको व्यवस्था बता दूं तो एक साल पहले उन्हें पता चल गया था कि सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और ठीक है क्योंकि इस्तीफा मांग रहे हैं गाजियाबाद की जनता, अब उनसे इस्तीफा मांग रही है कि आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आपने गाजियाबाद जनता को मरते हुए छोड़ दिया। और ये पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है। अभी आप लखनऊ का हाल देख लीजिए, हमारी राजधानी तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश। तरुणमा जी, मतलब तरुणमा जी आपका कहना है, कहने का मतलब है ये सिर्फ जो बीजेपी ने जो तमाम वादे किए, तमाम चीजें कही, वो सिर्फ हवा हवाई है जी। देखिए भाजपा की जो भी ये वादे करते हैं, जो भी ये कैप्शन लाते हैं, उसका उल्टा समझ लीजिए। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस उत्तर प्रदेश में बेटी बचाना बहुत मुश्किल हो गया और पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, आपसे इसका जवाब चाहूंगा। देखिए सबसे अहम बात है, पहले ये बताइए मैडम किस पार्टी का, किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है श्रीवास्तव मैडम, किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है? ये आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली तो संभला नहीं इनके पार्टी से, बाद में सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को सख्त होकर इसको केंद्र सरकार के हवाले करना पड़ा। मैं एक एक विषय पे आता हूं आपके। और रही बात ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में, तो एक नया ट्रेंड जरूर आ गया है ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन अगर आप आंकड़ों पे अगर ध्यान देंगे तो 7500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे देश में उपलब्ध है और सरकार ने इसके ऊपर से कस्टम ड्यूटी भी हटा दिया ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने के लिए। समस्या कहाँ आ रही है इसके पे बात किया जाए, क्योंकि जिस पार्टी के पास ना विजन हो ना मिशन हो, वो पार्टी क्या हम मेरे सामने अपने पार्टी का विचारधारा को लाएगी। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जो सपा के जो डॉक्टर गुप्ता जी जो बैठे हैं हमारे सामने, पहले तो इनको सबके सामने माफी मांगनी चाहिए, इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि जो कोरोना का जो केसेस आज उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इनके पार्टी के लोग भी जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार है मैं बताता हूं कि जब हमारा देश, जब हमारे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर दिन रात एक कर वो कोरोना का वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे थे और जब वैक्सीन को ला दी गई, तब इनके मुखिया कहते हैं कि ये भाजपा का वैक्सीन है, मैं इसको नहीं लगाऊंगा। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो पब्लिक फिगर है, वो अगर इस प्रकार की बातें करेगा तो कहीं ना कहीं समाज पे कुप्रभाव पड़ेगा। इनको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं इनको वैक्सीन लगवाकर अपनी फोटो को ट्वीट और मीडिया में देनी चाहिए, ताकि अक्षय जी सवाल मेरा आपसे, अक्षय जी मैं आपसे जवाब चाहूंगा, क्या बाकी आप माफी के पात्र हैं? बाकी आपको माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से अभी बात कही आपसे राहुल जी ने? मैं जो राहुल जी हैं, इनको इन्होंने एक प्रथा चली आई है बीजेपी में कि फेक न्यूज को फैलाने में लोग बहुत माहिर है। अब आपने कल भी बंगाल में देखा होगा काफी फेक न्यूज चली गई है कि रेप हुआ है और ये हुआ है, बाकी ANI खंडन करना पड़ा, उसके बाद वहां के जो SP थे उसको खंडन करना पड़ा, क्योंकि पिछले तीन महीने तक इलेक्शन कमीशन ने सारी कमान पुलिस की अपने हाथों में ले रखी थी, और उसके बावजूद जो जितने इंसिडेंट हुए वो सारे इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। कल से जो जनता शपथ ली है उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनके पास आती है। तो इन्होंने भी एक फेक न्यूज चलाई थी अपने इन्होंने IT सेल के द्वारा कि वहां रेप हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, दुनिया भर की चीजें फैलाई थी नेगेटिविटी के लिए, और उसको खंडन करना पड़ा दोबारा ANI को और सबको कि ऐसी कोई न्यूज नहीं है, फेक न्यूज है और फॉल्स न्यूज है। पहली बात। दूसरी बात मैं इनसे कहूंगा कि ये दोबारा अपने गूगल पे जाके अखिलेश जी का स्टेटमेंट सुने, कान आग सब कुछ खोल के, कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, उन्होंने कहा था कि हमें विश्वास नहीं है कि इतने जल्दी बीजेपी जल्दीबाजी कर रही है वैक्सीन बना के, इसका ट्रायल होने चाहिए, लोगों पे एक्सपेरिमेंट जो कर रही है उससे लोग काफी लोग मरे हैं वैक्सीन से, आपके हर जिले में बहुत डेथ हुई है जब लगी है शुरुआत। अगर आपको डाटा ना हो तो मैं आपको बता दूंगा, आपको सारी डिटेल दे दूंगा, मेरे पास आपको PDF फॉर्मेट भेज दूंगा कितनी डेथ कहाँ कहाँ हुई है, और कई जितने पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो लोग अटैक से मरे हैं, क्योंकि बॉडीज की सर्टेनिटी होती है, मैं खुद डॉक्टर हूँ मैं देखता हूँ कि बॉडीज की सर्टेनिटी होती है, बॉडीज कुछ ड्रग्स को ले पाती है किसी को नहीं ले पाती है, अटैक से कई लोग मरे हैं, वैक्सीन लगने के 24 घंटे के अंदर लोग मरे हैं। तो पहली बात, बीजेपी ने जल्दबाजी की थी, और जो महाशय राहुल जी बता रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, तो उनको बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो अपने स्टेटमेंट पर आज भी अमल है, और आज की डेट में
अगर आप इतने विश्वास है कि आपकी वैक्सीन हम लोग की जो लग रही है वो बहुत कारगर है, राहुल जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, राहुल जी आ रहा हूँ, क्यों डॉक्टर्स मर रहे हैं, क्यों आपके हेल्थ वर्कर्स मर रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद? अभी हाल ही में था एक हमारे जिले का ही मामला था, नोएडा का ही, जो वैक्सीन लगाई और घर जाने के बाद 24 घंटे में उसकी डेथ हो गई, वो भी एक हेल्थ वर्कर था, सेक्टर 39, 30, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। ठीक है, मैं तरुणमा जी का रुख करूंगा। तरुणमा जी, जिस तरह से अभी राहुल जी ने बात कही कि दिल्ली में पूरी सप्लाई जो सरकार इतने बड़े बड़े, जिस तरह से आपने अभी अपनी पार्टी का पक्ष रखा तो आप पर शिकंजा कसा गया राहुल जी के द्वारा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपकी पार्टी पर अभी आरोप लगाया कि वो सरकार क्या ऐसे वो नए ढंग से चीजें लेकर आएगी जो खुद दिल्ली को नहीं संभाल पा रही है, जो दिल्ली में खुद ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है। जी जावेद जी, देखिए राहुल आनंद जी जो है ना, उनके नाम में ही आनंद है, वो अपने आनंद में ही है इस वक्त, उन्हें देश की चिंता ही नहीं है कि वो उनकी पार्टी कर क्या रही है इस देश में। एक घंटा लगेगा और इन्हें ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, इन्हें समझना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए, नए अपडेट रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही परसों ही कहा है केंद्र सरकार को कि आप नरसंहार का। जी जी, क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, तकनीकी खराबी की शायद है। आपका नेटवर्क जी जी, ठीक है राहुल जी, जी जी अब आ रही है मैम, आप अपना, जी जी आ रही है, आप अपना पक्ष रखिए जी, बात पूरी कीजिए अपनी जी। राहुल जी जो है योगी जी के पच्चीनों पे चल रहे हैं, ये भी आनंद में ही है, इन्हें पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक भी मेडिसिन की व्यवस्था नहीं की है इन्होंने, बेड की व्यवस्था नहीं की है, ये दिल्ली सरकार को जो घेर रहे हैं, इन्हें ये नहीं मालूम कि हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को रोज फटकार लगा रही है कि आप नरसंहार कर रहे हैं, आप नरसंहार कर रहे हैं, आप अपने अधिकारियों को जेल भेजिए, अवमानना की आप पे कार्रवाई होगी, लेकिन इनको सरकारों को तक पहुंचा नहीं रही, उसका क्या चार डालेगी वहां बैठकर, और 12 दिन से वहां पे क्यों एयरपोर्ट पे रखी हुई है, बॉर्डर पे रखी हुई है, जब विदेशों से ऑक्सीजन आ चुके हैं, पहले ही केंद्र सरकार ने हमारे देश में जो ऑक्सीजन था उसे। ठीक है राहुल जी का रुख करूंगा, राहुल जी ठीक है देश हेल्प कर रहे हैं और ये बेशर्मियों की तरह कह रहे हैं कि दिल्ली संभाल लीजिए। ठीक है धन्यवाद जी, राहुल जी का रुख करेंगे, राहुल जी क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए सबसे पहले मैं जावेद भाई बोलना चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा नया कार्य नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये कोई नया कार्य नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को पहले भी 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें इलाज के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया था, जो आर्टिकल 21 है जो बताता है। दूसरा ये है कि जो ये फटकार की जो बातें कर रही हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर तीखी टिप्पणी करती है तो पत्रकार के भाषा में उसे फटकार कहा जाता है, कड़ा फटकार कहा जाता है। और पूरे देश को मोदी जी पे भरोसा है और उनके कंधे पे भरोसा है। मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि जो डॉक्टर अर्षय गुप्ता जी हमारे सामने बैठे हैं, वो एक डॉक्टर हैं पेशे से और समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ये भी लोगों का इलाज करते होंगे, शायद ये डिग्री खरीद लिए होंगे, माफ कीजिएगा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति अगर ये बात बोले कि वैक्सीन लगाने से लोगों की मौतें हुई हैं तो वो किस परिस्थिति में हुई है इसके ऊपर भी बताएं। दूसरी बात यह है कि क्या ये अपने परिवार को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? कहने का मतलब, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि भाजपा ने जल्दीबाजी की है, भाजपा ने वैक्सीन निकाला है, तो भाजपा ने 15 करोड़ से ऊपर लोगों को दिया है वैक्सीन, लेकिन जो लोग मरे हैं वो किस परिस्थिति में मरे हैं ये नहीं बताएं। लेकिन इन्होंने आपके चैनल पे बैठकर ये बात जरूर बोल दिया कि ये जल्दीबाजी कर दिया, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो स्थिति होती है वो और खराब होगी। कहीं ना कहीं ये जो पार्टी की, इनकी पार्टी के मुखिया ने जो कहा था ये भाजपा का वैक्सीन है, इसको इन्होंने आगे बढ़ाया, बस शब्दों का माया जाल बिछाया है।
अगर इनके जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर ये बात बोले, इनको लोग सुन रहे होंगे, लोगों पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? इनको मोदी से लड़ाई है, लेकिन ये मोदी के चक्कर में देश की जनता का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये अगर इस प्रकार की अनाप शनाप बातें बोलेंगे तो हमारे क्या देश के वैज्ञानिक डॉक्टर का मनोबल डाउन नहीं होगा? ये वही गैंग है जो मोदी से सिर्फ लड़ना चाहता है, मोदी को धराशाह करना चाहता है। लेकिन मोदी का ही देन है कि जो ये लोग जो आपकी प्रवक्ता बैठी हैं, ये सबूत गैंग है, ये लोग सबूत मांगते हैं मोदी के कार्य को करने कार्यशैली पे। इसलिए इनके कहनी और कथनी में बहुत अंतर है, इसलिए इस प्रकार की बातें ना करें। अगर सकारात्मक बातें हैं तो सकारात्मक बातें रखिए वैक्सीन को लेकर कि सरकार देखिए सरकार महामारी के समय में लेकिन राहुल जी, राहुल जी जनता जनता तो देख रही है ना राहुल जी, देश में जो महामारी चल रही है, जनता भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जनता खुद कह रही है, इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। ठीक है ठीक है, मैं अशय जी से, अशय जी आपसे जवाब चाहूंगा इसका। पहली बात तो मैं महाशय जी और राहुल आनंद जी हैं, बहुत अच्छी बात कही तरुणा जी ने कि ये आनंद में ही है अभी भी, इन्हें पता नहीं है कि अगर मोदी डिग्री खरीदते हैं, हम लोग डिग्री नहीं खरीदते, हमने पढ़ाई करी है, 5 साल पढ़ाई करके पेपर देके डिग्री हासिल करी है। आपके देश के मोदी जी की तरह नहीं है कि फर्जी डिग्री हर साल नहीं बदल लेते हैं, कभी नाले से ऑक्सीजन बना लेते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। आपको तमीज से बात करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जावेद भाई कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और इन्होंने कहा मैं अपने परिवार की वैक्सीन लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, मैं जरूर लगवाऊंगा। और हो सकता है कि जिस हमारी वैक्सीन को जल्दबाजी में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विदेशों में भेजा गया, 18 ऐसे देश है जिन्होंने हमारी वैक्सीन को नकार दिया गया। आप पे खबर होगी ये, और ना हो तो बता दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। बिल्कुल, न्यूज़ में हमने बहुत सारी ऐसी खबरों की पुष्टि की है। 18 कंट्रीज है जहां पे वैक्सीन को नकार दिया गया है, ये मैं नहीं कहता, ये WHO और बाकी देशों ने कहा है। ठीक है, पहली बात, आपने अगर आपकी वैक्सीन लगी है, आपकी वैक्सीन बनी है, तो उसका ट्रायल रन होना चाहिए, हर वैक्सीन का ट्रायल रन होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात, पुणे वाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है, उनकी कल परसों की पोस्ट आई है कि मैं विदेश जा आया हूं और मुझे बहुत खतरनाक मैसेजेस मिले हैं। जो वैक्सीन बना रहा है उसको इतनी थ्रेट मिली है, आखिर कौन से लोग हैं देश के जो उन्हें थ्रेट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, Sputnik 5 वैक्सीन हमारे देश में आ गई है और वो उसकी जो 88% उसका एक्यूरेसी रेट है, हमारी वैक्सीनों के 68% और 72% एक्यूरेसी रेट है। तो इनको ये पता होना चाहिए आनंद जी को कि अपने बारे में स्टडी कर ले वैक्सीन के बारे में, और उसके बाद ज्ञान यहाँ देना शुरू करें और किसी के बारे में बोलना शुरू ना करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हाईकोर्ट का एक उन्होंने खुद ही एक ट्रायल किया, हाई कोर्ट ने, जितने भी योगी जी द्वारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी इंटरनेट के माध्यम से कि यह इस हॉस्पिटल में इतने बेड खाली हैं, इस हॉस्पिटल में इतने बेड खाली हैं, हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए खुद भाई बैठ के फोन किया और उसमें से 89% फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है योगी सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पे कि ये चीजें हैं। तो ये लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, फेकिज्म पे विश्वास रखते हैं। आज भी ये राहुल आनंद जी अपने घर बैठ के सिर्फ बरगली बातें कर रहे हैं। ये इन्होंने आज तक एक सिलेंडर किसी को मुहैया नहीं कराया होगा। मैं आज भी डेली 10 या 12 सिलेंडर ऑक्सीजन के दिलवाता हूँ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इनके सरकार में काला बाजारी हो रही है, ये उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। 500 रुपए का ऑक्सीजन आपको 5,000 मिल रहा है, 10 किलो का ऑक्सीजन आपको 10,000 रुपए मिल रहा है, और फ्लो मीटर कम से कम जो 500-700 रुपए का आता है वो 7,500 रुपए मिल रहा है। ये कैसी बातें कर रही है, अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं बिल्कुल। ये इन लोगों को, इनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। जो आदमी बंगाल चुनाव में लास्ट के 29 तारीख को भी रैली कर रहा है 3 आदमी की, और वहां पर किसी महिला के उत्पीड़न के इतने अपशब्द बोल रहा है ममता दीदी के लिए, वो आदमी महिला सम्मान की बात करते हैं। ये लोग डायल 100 की बात, 1090 की बात करते हैं। कैसे लोग हो गए ये लोग, इन्होंने इंसानियत उतार दी है, इन्होंने खत्म कर दी है। इन्होंने सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता कैसे हासिल की जाए, कितने लोग मरे, कितने लोग जिए, ये आम आदमी पार्टी वालों को बोल रहे हैं कि दिल्ली में तुमने क्या किया। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे, दिल्ली की जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रलाइज होती है, आप सेंट्रलाइज अगर नहीं उसको सपोर्ट करेंगे तो नहीं चल पाएगी। आपको हमेशा केजरीवाल जी को उन्होंने अशर जी ठीक है, मैं तरुणमा जी करूंगा। तरुणमा जी, जिस तरह से अभी राहुल जी ने आप पर भी शिकंजा कसा और समाजवादी पार्टी को लेकर भी यही बात कही, और उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए ये बात कही कि हमारी सरकार लगातार पूर्ण तरीके से काम कर रही है, लेकिन ये अलग अलग जो पार्टियां हैं वो सिर्फ झांसा दे रही हैं, शिकंजा कसने का काम कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगी आप इस पर?
जावेद जी आपकी आवाज पूरी कट रही है, आवाज सुनाई नहीं दिया कि आपने क्या बोला, लेकिन फिर भी मैं राहुल जी की जो बात है उसका जवाब मैं दे रही हूँ। जी जी बात जी शिकंजा कसने की है, शिकंजा इन्हें कायदे से शिकंजा इन्हें कोरोना पे कसना चाहिए था इनकी सरकार को और केंद्र सरकार। आपकी आवाज नहीं आ रही है हाल में बैठकर आधी दिल्ली केंद्र सरकार जी जी ऑक्सीजन प्लांट लगाना, ऑक्सीजन की सप्लाई आगे राज्य को देना, ये केंद्र सरकार के अंदर आता है। दूसरा रेड आपको मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की बता दूं, रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी सर्वे में आया था 24 राज्य जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है, जिस रेडमी सीवर इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है जी क्यों मना कर रखा है, क्यों बाहर भेजी जा रही है इंजेक्शन, हमारे इंजेक्शन नहीं पहुंच रही है, लोग कालाबाजारी करके 200-300 रुपए 500 रुपए वाला इंजेक्शन 40-40 हजार रुपए में खरीद रहे हैं। मैं खुद लोगों को मुझसे मेरे पास कॉल्स आती है कि मैम कैसे भी करवा दीजिए, आप कैसे भी करवा दीजिए, तो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके इंजेक्शन हम किसी को कॉल करते हैं तब मिलता है, उस वो भी हमें पता आप वहां चले जाइए, ठीक इस समय पैसे ठीक है ठीक है धर्मा जी, आपने अपने आपने अपनी बात रखी। अब राहुल जी, राहुल जी 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 राहुल जी नहीं मैं जा रही थी एक चीज और देखिए ठीक है ठीक है राहुल जी, तरुणमा जी को सुन लेते हैं, तरुणमा जी को सुन लेते हैं जी, तरुणमा जी कुछ बनाए क्यों नहीं जी। मैं राहुल जी ने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि बेड बेड की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था क्यों नहीं हुई, मेडिसिन की व्यवस्था क्यों नहीं हुई, लोग क्यों दर दर भटक रहे हैं, क्यों कालाबाजारी पे आ गई है बात, क्यों सरकार क्यों कालाबाजारी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, सरकार कह रही है आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर की बात मोदी जी ने बहुत पहले कह दी थी, इसलिए लोग आत्मनिर्भर हो गए, पूरा देश मर रहा है। अभी एक खबर आई है, चलिए चलिए ठीक है, पीएम नए पीएम हाउस के लिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है जरा जी, समय की कमी है, समय की कमी है। अब मैं राहुल जी आप अपनी आखिरी प्रतिक्रिया, एक सवाल है राहुल जी को, देखिए सबसे पहले जावेद जी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बीमारी नहीं है, महामारी है, महामारी में किसी भी देश के द्वारा कितना भी प्रबंध किया जाए वो कम पड़ जाता है। केंद्र सरकार की आलोचना करना सार्थक है, लेकिन अपने लोगों को नीचे दिखाना, खास करके कोरोना वैक्सीन को लेकर, ये गलत है। और जो पोर्टल की जहां तक बात की जा रही है, तो मोदी जो योगी सरकार ने जो पोर्टल पे जो जानकारियां दी हैं वो 100% सही है, लेकिन समय ऐसा है कि आपके यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है, रह रह कर बढ़ता जा रहा है, तो वो संख्या कम होती जाएगी। दूसरी, इनको अपने देश के ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरे देश पे ज्यादा भरोसा है। तो इन्होंने, डॉक्टर साहब ने एक चीज नहीं कहा कि अमेरिका ने भी प्रूफ किया है कि जो कोविड शील्ड जो दवा है, जो वैक्सीन है, ये 78% कारगर है, लेकिन अपने देश का गुणगान लोग कम करते हैं। चलिए ठीक है राहुल जी, वक्त का अभाव है, वक्त का अभाव है, आपकी बात पूरी सुनी जाती। ठीक है आशा जी, आशा जी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए आखिरी प्रतिक्रिया मेरी यही है, आपके इस डिबेट के माध्यम से मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इस टाइम सिर्फ और सिर्फ देश की जनता पे ध्यान देना चाहिए, चाहे सपा हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, राजनीतिक मतभेद चलते रहेंगे, विचारधाराएं चलती रहेंगी, पर मैं छोटा सा एक छोटी सी इंसान होने के नाते एक बात कहूंगा कि चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, पहली बात किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो देश में वास्तविक हालात है उनको सत्य बताएं लोगों को, सबको आपको झूठ नहीं बोलना है, अगर आप झूठ बोलोगे तो आदमी को आप फंसा रहे हो, उसका एक उदाहरण झूठों के सरदार उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप अरे भाई साहब आप बात सुन लिया करिए, आप लोग के अंदर ये तो कमी बात नहीं सुनते, और गलत टिप्पणी कर रहे हैं ना आप, गलत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं आप लोग, गलत सुनते हैं आप लोग, कुछ आप समझ नहीं आता है, लड़कों से गलती होता है, छोटी सी है, अच्छा चलिए मैं गलत हूँ, हाई कोर्ट गलत नहीं है, हाई कोर्ट आप गलत कहते हैं, हमारे यहाँ कोई गलत कहते हैं बयान नहीं करता है ना, हाई कोर्ट गलत कहते हैं, मैं छोटी सी बात का बयान नहीं करता है, जिसकी खुद दशा और दिशा भ्रमित है वो क्या बताएगा, मैं आपसे छोटी बात वो लोगों को क्या ज्ञान देगा, वो अलग बात है, कहना अच्छी बात है लेकिन देश की जनता पे भरोसा, चलिए चलिए और यहाँ चलिए ठीक है राहुल जी,
फिर से कल चर्चा में लौटेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों ने हमारे चैनल के लिए समय दिया। तो लगातार जिस तरह से कोविड की महामारी चल रही है, ऐसे में लगातार सवालिए निशान खड़े हो रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है, कहीं बेडों की कमी है, लोग परेशान है, लेकिन उन्हें पूरी ना दवा मिल पा रही है, ना इलाज हो पा रहा है उनका, और ना ही उन्हें किसी भी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। तो कल फिर मुलाकात होगी। तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ। नमस्कार।